अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको फिर से वेलकम कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताते चलें कि आज की इन्फॉर्मेशन, आज की ऑफ़र नहीं है, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों को लगने वाली है। जितने भी भाई हैं, जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं, बहनें हैं, अगर अपने घरों पर जो है अपने कमरे पर पेंट लगवाना चाहते हैं या फिर वाल ग्रेस वगैरह या फिर किसी और किस्म के हवाले से वाल शीट लगवाना चाहते हैं तो हरगिज़ मत लगवाइए, क्योंकि ये आर्जी तौर पर होता है, 2 साल 1 साल इनकी मुद्दत होती है, इसके बाद दोबारा से इसे नौबत आ जाती है, कहीं से उखड़ जाता है, कहीं से उतर जाता है, बच्चे उतार देते हैं, पेंसिल की निशानात जो है मार देते हैं, जिसकी वजह से आप को दोबारा पेंट करने पर जो है आपको कोई भी त्यौहार आता है, ईद वगैरह आती है, आप दोबारा से पेंट करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में जो है चाइना प्लास्टिक वॉल पैनल शीट्स जो हैं आ चुकी हैं। इसकी लंबाई के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, इसकी लंबाई जो है 12 फीट है, तो अक्सर की जो है 6 फीट भी होती है। अगर आप 6 फीट वाली लेना चाहते हैं, अगर आपका कमरा जो है 12 फीट हाइट पर है तो 12 फीट भी लेना चाहते हैं तो जैसे आप 12 फीट। इसकी चौड़ाई के हवाले से बात कर देते हैं तो 9 इंच इसकी जो है चौड़ाई है। जी हाँ, 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई है, मतलब 1 फुट से जो है 3 इंच कम इसकी चौड़ाई है। तो जैसे आप 9 इंच की, अगर आप फर्ज कीजिए कि आपका 12x16 का कमरा है या फिर 12x12 का कमरा है या फिर 12x10 का कमरा है, फुट के हवाले से बात कर रहा हूँ, 12 फुट बाई 10 फुट, तो आपका इसमें ख़र्चा तकरीबन आपका 10,000 रुपये तक आएगा। लेकिन आपका ज़िंदगी भर का खर्चा होगा, आपको दोबारा से बिल्कुल भी लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके कलर्स वगैरह जैसा कि मैंने पिक्चर्स में आपको दिखा रखे हैं, मुख्तलिफ वुडन कलर्स भी हैं, लकड़ी के कलर्स, लकड़ी के शेप्स भी हैं, जितनी भी लकड़ी की शीटें होती हैं प्लाईवुड वगैरह या फिर लेमिनेशन वगैरह, तो आपने देखे होंगे कि कितने ब्रांडेड कलर होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा तरीन कलर होते हैं। इसी में भी वो तमाम कलर्स आ रहे हैं वाल पैनल शीट्स पर। तो जितने भी अगर आप कलर्स चाहते हैं, कोई सा भी आप कलर लेना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके खुद आप घर पे ले जाकर खुद ही इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल भी किसी से लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको फ़र्ज़ कीजिए कि बताते चलें, कोई भी अगर आपका लगाता है तो 5 से 10 हज़ार रुपये आसानी से वो अपनी मजदूरी जो है ले लेता है। लेकिन हम आपको बता देंगे लगवाने का भी तरीका का। इसमें 1 से 2 स्क्रू लगे होते हैं, जैसे आपने ड्रिल करने हैं, और जैसे पहला जो है वाल ग्रेस का जो है पैनल है वो आपको ड्रिल से लगाना पड़ेगा और आखिरी ड्रिल से लगाना पड़ेगा। इसके बाकी जितने भी पैनल्स हैं वो आपको जस्ट इसी में सेट हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लगाए जाते हैं। इसकी कीमत के हवाले से भी मैं आपको प्रॉपर तौर पर बता देता हूँ मार्केट में इसकी कीमत क्या है। मैंने खुद अपने कमरे पर लगवाए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो इसके मार्केट में प्राइस है एक पैनल की, पैनल शीट्स की, किसी भी हवाले से कोई भी कलर आप खरीदना चाहते हैं तो जस्ट आप खरीद सकते हैं। इसके जो मजीद फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्राइस के हवाले से पहले बता देता हूं, 50 रुपये जो है 12 फीट का एक जो पैनल है उसकी प्राइस है। जी हाँ, अगर आपकी एक दीवार पर 10 पीस लगते हैं तो आप 500 रुपये लगेंगे। अगर आपकी 4 दीवारें हैं प्लस छत पे भी अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसकी तपश के हवाले से भी ये धूप को गर्म रोकता है। इसकी बैक साइड पे प्लास्टिक बॉडी है। जी हाँ, बैक साइड पे तमाम जो है प्लास्टिक है, सेम जितनी भी अगर नीचे के मकानात हैं सेम आपकी लग जाती है, कमरों में पेंट उतर जाता है, ये सेम के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लास्टिक में आप सब ही जानते हैं कि सेम नहीं लग सकती, ना ही इसकी जो है रंग उतर सकता है, प्लास्टिक पर ये चिपका हुआ होता है, तो प्लास्टिक पेंट है ये। कोई सभी कलर आप लेना चाहते हैं, वुडन कलर लेना चाहते हैं, वाइट ग्रीन लेना चाहते हैं, सिंपल रहना चाहते हैं, तो आप आसानी से ले सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि इसके मजीद फीचर्स क्या हैं, इसको किस तरह से लगाया जा सकता है और इसकी कीमत के हवाले से, जैसा कि मैंने आपको बता देता है, ये एक वीडियोज़ के जरिए आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दे रखी है, आप खुद देख कर उसे वाजिया तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसे लगाया जाए। इसे मंगवाने का तरीकाकार जैसा कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि आज की ऑफ़र ये नहीं है, आज की ये इन्फॉर्मेशन है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। ये खुद मैंने अपने घर पे लगवाए हैं, अपने कमरे में लगवाए हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिजल्ट है। धूप की गर्मी की तपश जो है 50% कम हो चुकी है, जैसा कि पहले ऊपरी कमरे में जो है धूप की तपश बहुत ही ज़्यादा आती थी, लेकिन अब इसे लगवाने पर मुझे AC की ज़रूरत कम पेश आ गई, आम पंखे से गुजारा हो जाता है। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि
हमारी हौसला अफजाई हो सके और अच्छी अच्छी मजीद ऑफर्स आपके सामने लाई जा सके। अल्लाह हाफिज़ साकिब टेक्नोलॉजी।